Good morning, class. So today we'll start with chapter 11, three-dimensional geometry. Okay. So three-dimensional geometry will be very easy if you know the meaning of vectors. If you have studied vectors, chapter number 11 properly, and of class 11, straight lines. If that topic of yours is clear, then three-dimensional geometry will be very easy for you. If your concepts are not clear, please revise vectors once again. Okay. So first thing is what we have studied in. We have studied in vectors was direction cosines and direction ratios. Same here we will also have direction cosines and direction ratios. Direction cosines and direction ratios. We have studied this what? In your vector class. So direction cosines are what? Direction cosines of a line are what? The angle which it makes that particular directed line, that particular vector which it makes with the positive direction of x-axis, y-axis and x-axis. Cosine of that angles are called the direction cosine. Okay? But here we are talking about three-dimensional geometry. Here we are not talking about vector. है ना vector के बारे में बात नहीं कर रहे हम बोल रहे एक line है ना जैसे y-axis, z-axis, x-axis. अब ये क्या हो गया दोनों एरोस लगा दिए तो ये क्या एक लाइन है ठीक है सिंपली आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हो ये एक लाइन है अब एक लाइन की डायरेक्शन कोसाइन क्या हो सकती है अब ये देखो ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल ये जो ओ पी लाइन है यहां ये वाली लाइन एल मान लो ये लाइन एल है ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है अल्फा कैसे मेजर करते हैं एंगल एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है अल्फा और ये एंगल ये इंटरसेक्ट तो बना सकते हैं एक्स एक्सिस के साथ दो भी वैल्यू बना सकते हैं जी क्या हो गया ये टोटल है पाई और पाई माइनस अल्फा ये हो गया आपका क्या तो दो एंगल्स बनाती है एक लाइन एक लाइन एक तो आप क्लॉकवाइज मूव करो एक मूव करो आप एंटी क्लॉकवाइज तो दो एंगल्स बनते हैं अगर हम वी आर टॉकिंग अबाउट अ लाइन ओनली दिस इज द मेन डिफरेंस इन डायरेक्शन कोसाइन्स व्हेन वी टॉक अबाउट वेक्टर एंड व्हेन वी टॉक अबाउट तो जब हम लाइन की बात करेंगे तो वी विल हैव टू सेट्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन्स हमारे पास कितने होंगे दो सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन्स होंगे क्यों दो सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन्स होंगे बिकॉज़ लाइन कैन एक्सटेंड नो लाइन को यहां से यहां तक भी ले सकते हैं यहां को भी आ सकते हैं उसको हम मेजर भी तो अलग तरीके से कर सकते हैं हम दो तरीके से मेजर भी तो कर सकते हैं उसको तो वो दो तरीके से जो मेजरमेंट करते हैं उससे क्या आता है दो एंगल्स डिफरेंट डिफरेंट आते हैं चाहे वो एक्स एक्सिस के साथ चाहे वाई एक्सिस के साथ चाहे जेड एक्सिस के साथ तो हमारे पहले जो वेक्टर में डायरेक्शन कोसाइन्स आते थे दो अलग एक प्लस एक वैल्यू क्या हो जाएगा एक हम क्लॉकवाइज मेजरमेंट कर रहे हैं क्लॉकवाइज मेजरमेंट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो पॉजिटिव एंगल होता है जब हम क्लॉकवाइज लेते हैं तो नेगेटिव एंगल होता है बस ये डिफरेंस है क्योंकि वो एक लाइन है लाइन कैन एक्सटेंड है ना लाइन को तो हम एक्सटेंड करते हैं इनडेफिनेटली एक्सटेंड किया जा सकता है ठीक है वेक्टर तो है नहीं जो हमने उसको स्पेसिफाइड कर दिया कि ये ही डायरेक्शन में मूव करेगी अगर वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगी तो उसके वन सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन्स होंगे जरूरी नहीं है वो तीनों पॉजिटिव हो अब आपने अगर ऑक्टेंट पढ़ा हो लास्ट आपका क्लास 11 में भी आपका थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर था तो उसमें भी अपन ने पढ़े थे एट ऑक्टेंट्स होते हैं है ना एट ऑक्टेंट्स होते हैं तो अगर मैं ऐसा कॉम्बिनेशन बनाऊं आप प्रोबेबिलिटी के अपन निकाल दें इसमें ये वैल्यू एल की है ये एल की कितनी वैल्यू हो सकती है 2 एम की भी 2 एम की भी है ना प्लस माइनस प्लस माइनस तो टोटल कितने आते हैं टोटल एट कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है एट कॉम्बिनेशंस कैसे एल पॉजिटिव है ये एम और एल नेगेटिव एन पॉजिटिव है एन पॉजिटिव है ये नेगेटिव तीनों पॉजिटिव ठीक है या ये
ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ऐसे करके पास हो गए कितने कॉम्बिनेशंस आते हैं, 8 कॉम्बिनेशंस हो सकते, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा, मैं ये नहीं कह रही 8 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है तो 8 डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, नहीं, एक लाइन के तो दो ही डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, क्योंकि वो लाइन या तो एंगल अल्फा बना रही है, पाई माइनस अल्फा बना रही है, एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ कॉस बीटा या माइनस कॉस बीटा बना रही है, ठीक है, तो वो एक अलग चीज है, वो अलग चीज मैं बता रही हूँ, कितने पॉसिबिलिटीज हैं, दैट इज, तो रहने ही दो तो अच्छा है, कंफ्यूज ना होना। देन नेक्स्ट इज योर डायरेक्शन रेशियोज। अब डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं लाइन के, डायरेक्शन रेशियोज वेक्टर के क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज में फर्क आर प्रोपोर्शनल, आर प्रोपोर्शनल, proportional to the direction cosine, direction cosine के proportional होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने vectors में हमने क्या पढ़ा था, vectors में पढ़ा था हमने a upon m is equal to b upon m is equal to c upon m is equal to some constant k, ठीक है, हमने पढ़ा था ये। तो इससे हमारे ये हमने क्या पढ़ा था, ये तो same direction जो ratios हैं वो तो same रहेंगे, तो direction ratios क्या होते हैं, जो proportional something, some values which are proportional to the direction cosines are called direction ratios. अब मैं अगर एक और चीज आपको बता दूं कि लाइन है, तो इस लाइन का मैंने कोई दो पॉइंट ले लिए, ये मैंने दो पॉइंट ले लिए इस लाइन पे, तो इन दो पॉइंट का जो अपन डिफरेंस निकालेंगे, कोई भी दो पॉइंट ले लो, मैं यहाँ ले लू, मैं यहाँ ले लू, इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियोज पॉसिबल, एक लाइन पे हाउ मेनी डायरेक्शन रेशियोज आर पॉसिबल, इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियोज आर पॉसिबल। जैसे यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन के टाइम में कितने आ सकते हैं, टू सेट्स आ सकते हैं, सो डायरेक्शन कोसाइन आर पॉसिबल फॉर अ लाइन, सेम ही डायरेक्शन रेशियोस कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियोस क्या हो सकते हैं। अब आप सिंपली अगर वहां से हमारा आप सिंपल इससे समझ लो, ए के प्रोपोर्शनल एल है, तो अगर ये कांस्टेंट के है, मैं ए की वैल्यू चेंज करते जाऊंगा, मैं मान करता हूं माइनस कर दो, माइनस कर दो, 1.5 रख दो, 3/2 रख, कुछ भी रखते जाओ आप, कुछ भी रखते जाओ k की वैल्यू, सो इफ यू कैन कीप इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ k, यू कैन कीप इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ a आल्सो, क्योंकि a क्या है, दिस इज मैच फॉर a इज इक्वल टू k टाइम्स m, b इज इक्वल टू k टाइम्स m, c इज इक्वल टू k टाइम्स n, तो l की वैल्यू, m की वैल्यू, और l की वैल्यू क्या होगी, दो ही, दो ही सेट्स पॉसिबल है, एक लाइन m प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, पर ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट की वैल्यू तो वैरी कर सकती है, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनी रियल नंबर, सो इफ इट कैन बी एनी रियल नंबर, सो वैल्यू ऑफ ए बी सी आर कांस्टेंट, तो डायरेक्शन रेशियोस कितने होते हैं एक लाइन के, इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियोस होते हैं, ओके। नाउ दिस वी हैव डन अनदर थिंग, व्हाट वी हैव स्टडीड इज, हमने डायरेक्शन कोसाइन के बीच में रिलेशन पढ़ा था, पढ़ा था डायरेक्शन को साइंस के बीच में हमने क्या रिलेशन पढ़ा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू वन, अब यहां प्लस माइनस को कुछ भी हो, एल स्क्वायर को पॉजिटिव भी हमने ये रिलेशन यहां पे भी वैल्यू रहेगा, ठीक है, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में भी वी कैन यूज दिस रिलेशन, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस, क्लियर, सो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू वन, इट विल बी अगेन थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। Now, अगर मैं डायरेक्शन कोसाइंस की बात करूं, अगर मेरे पास दो पॉइंट्स, अभी तो हमने क्या किया, डायरेक्शन कोसाइंस हमने लिए एलएमएन, जब हमें पता है कि एंगल व्हिच इज मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, अगर हमें एंगल, अगर मैं कहूं कि आई नो टू पॉइंट्स ऑन अ लाइन, अगर मेरे पास दो पॉइंट्स हैं किसी लाइन पे, उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, ठीक है। अब आप देखो थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री अपनी कुछ कर लेते हैं, ये आपका जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है, अब ये मैंने एक लाइन, ये ओरिजिन है, ठीक है, मैंने एक लाइन ले ली आर एस, आर एस दो पॉइंट्स, कोई भी लाइन हो सकती है ना, उस पर दो पॉइंट्स है आर एस, मैंने कह लिया एक ओरिजिन से पैरेलल लाइन इसमें पास कर रही, ओरिजिन है जो पॉइंट पी ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ले लिए x1 y1 z1 एंड टू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ले लिए x y1, ठीक है, x2 y2 z1, अब अगर ये एक एंगल
यहाँ से सपोज इसको अपन अभी फिलहाल के लिए x एक्सिस ले लेते हैं, इसको y एक्सिस में एक्सप्लेन करना इजी है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में x एक्सिस से ये लाइन क्या बना रहा है, अल्फा एंगल बना रही है, ये लाइन लाइन क्या बना रही है, एंगल अल्फा। तो अब ये एक बार मैं इधर से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, टू है ना, टू पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ये 90 डिग्री एंगल है, ये एंगल अल्फा है, ये पैरेलल लाइन, ये एंगल अल्फा है, ये पैरेलल लाइन है, एंगल भी क्या होगा अल्फा। हम क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ अल्फा इक्वल टू cos ऑफ अल्फा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये है आपका बेस, ये q पॉइंट है, ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए, इसके भी तो कोऑर्डिनेट्स सेम होंगे x2 y2 z2 x2 y2 z2, साइन चेंज हो सकता है इसमें, ध्यान रखना साइन चेंज हो सकता है, ये इस कोऑर्डिनेट में आ रहा है कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव, यहां तो इधर पॉजिटिव है, यहाँ कौन कौन सा पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव है, पर अगर ये अगर पी क्यू पॉइंट लेते हैं, इसको पी क्यू पॉइंट अगर मान लेते हैं, डैश मान लेते हैं, तो ये क्या हो गया पी क्यू, ये लाइन हो गई आपकी पी क्यू डिस्टेंस, ठीक है, सॉरी पी क्यू नहीं, ये आपका हुआ cos अल्फा इज बेस अपॉन cos अल्फा, क्या हुआ बेस अपॉन है, सो बेस क्या है आपका, बेस इज x2 minus x1, ये डिस्टेंस क्या होगा, मैं ये वाला डिस्टेंस x1 है, यहाँ से आप मेजर कर लो ये x1 है, ये x2 है, ये डिस्टेंस क्या हो गया x2 minus x1, ये डिस्टेंस कितना हो गया x2 minus q dash and q dash upon hypotenuse pq, hypotenuse क्या है pq है, clear, ये q dash से कंफ्यूज मत होना, इसमें आप बड़े m ले लो, m ले लो, m ले लो, कोई भी ले लो, ये तो कोऑर्डिनेट्स है आपके x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, तो cos अल्फा ये हो गया, सेम वे cos बीटा क्या होता है, तो ये π minus π cos गामा क्या होता है, सेम वे z2 minus z1 upon q, ये आपको क्या दे रहा है, if you know two points on a line, अगर हमें दो points पता है line पे, तो भी हम उनके direction cosines निकाल सकते हैं, कैसे x2 minus x1 को दो points से divide कर दिया, कैसे आया उनका डिफरेंस आपको डायरेक्शन रेशियोस हो सकता है, कितने डायरेक्शन रेशियोस हो सकते हैं, आप कोई भी पॉइंट से भी, यहाँ मैं एक पॉइंट यहाँ ले लूँ, यहाँ ले लूँ, एक यहाँ एक यहाँ, इनफाइनाइट पॉइंट्स हो गए, आप एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स ले सकते हो, और दो दो किसी भी पॉइंट्स का डिफरेंस क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, तो ये आपके डायरेक्शन रेशियोस हुए, टू पॉइंट्स आ गए, एंड दीज आर योर डायरेक्शन, ठीक है, तो अलग अलग केसेस में यू शुड नो व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस एंड व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोस, क्लियर, एंड पी क्यू, पी क्यू डिस्टेंस है, पी क्यू डिस्टेंस आपको निकालना आता है, सो नीड टू एक्सप्लेन यू, क्लियर, देन कम टू द एक्सरसाइज, योर फर्स्ट एक्सरसाइज इज वन मोर थिंग इज देयर कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी क्या होती है, ये भी हमने पढ़ा है वेक्टर्स में, सेम चीज है यहाँ पे, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी मतलब क्या होता है, कोई भी तीन पॉइंट्स आपको दे रखे हैं ए बी सी, आर दे कोलिनियर, क्या ये कोलिनियर है, अपन क्या करते थे ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी ऐसे करते थे, ठीक है, अब मैं अगर आपने डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोस पढ़े, ये टर्म्स में हम क्या करते हैं, अब मैंने आपको बताया ये दो पॉइंट्स के, अगर मुझे ये पॉइंट एक्स वन वाई वन जेड वन दिया हुआ, ये एक्स वाई जेड टू दिया हुआ, ये पॉइंट है आपका एक्स Now, I told you the direction ratios of line AB will be what? Direction ratios of AB. क्या होता है? दोनों points के बीच का difference, coordinates का difference, corresponding difference. तो x2 minus x1, x2 minus x1, y2 minus y1, and z2 minus z. ठीक है? और direction ratios of BC कितने होते हैं? BC क्या होता है? X3 minus X2, Y3 minus Y2,
एंड z3 माइनस अब अगर हमने क्या पढ़ा था, अगर दो लाइंस की डायरेक्शन रेशियोस प्रोपोर्शनल है तो वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, या इक्वल है या प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल है इक्वल है एक ही बात है, इक्वल है तो मतलब जो उनका कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है वो वन है, ठीक है। तो अगर ये इक्वल है ये जो आ रहा है वो एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है तो हम क्या बोलेंगे, दे आर कोलिनियर, दे आर पैरेलल, हम क्या बोलेंगे, वो पैरेलल है। अब कोलिनियर के लिए हम क्या बोलेंगे, एस ए बी एंड बी सी हैव अ पॉइंट बी कॉमन, ए बी और बी सी में एक पॉइंट बी कॉमन है तो वो कोलिनियर होगा, एक ही लाइन पे लाया करेंगे ना, पैरेलल तो है, इससे तो हमें पता चल गया डायरेक्शन कोसाइन सॉरी डायरेक्शन रेशियो का प्रोपोर्शनल तो हम क्या बोलेंगे, तो हम ये बोलेंगे कि क्या ये पैरेलल है, दीज टू लाइन्स ए बी एंड बी सी आर पैरेलल बट एज बी इज अ कॉमन पॉइंट सो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी क्लियर हो गया। इसके मतलब क्या हो गया, हम बोल सकते हैं अगर वेक्टर फॉर्म में आना है तो इसको हम बोल सकते हैं ए बी इज इक्वल टू वेक्टर टाइम्स, अगर मैं वेक्टर टाइम वेक्टर के फॉर्म में बोलूं अगर हम वेक्टर के फॉर्म में नहीं है सिंपल अभी आपको सिंपल ही समझना है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइन वेक्टर इज अ डायरेक्शन देयर इज अ लाइन इन फॉर्मिंग इज ओपन विद बोथ द डायरेक्शंस देन यू आर हैविंग डायरेक्शन कोसाइन। If you are talking about direction cosines of x, y, z axis or lines parallel to them, अगर मैं बोलूँ direction cosines of x, y, z axis, x, y, z axis और lines parallel to them, और lines parallel to them, ये क्वेश्चन मत पूछ ना इससे ज़्यादा parallel। अगर मैं एक लाइन ले रही हूँ यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पीडी में हमेशा ध्यान रखना, अगर आप फिगर ड्रॉ करना चाहते हो कि आप डू एनी क्वेश्चन वेरी इजी, ठीक है आपका ओरिजिन। अब मैंने कहा डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ एक्स एक्सिस, अगर मैं अगर एक लाइन हूँ जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, एक्स एक्सिस के क्या है पैरेलल है, या आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लो या एक्स एक्सिस तो इन दोनों केसेस में cos cos क्या हो जाएगा, cos ऑफ जीरो क्या हो जाएगा वन, ठीक है फिर y एक्सिस के साथ क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि ये जो है अगर ये है लाइन कोलिनियर है एक्स एक्सिस के या लाइन क्या है पैरेलल है, लाइन क्या है कोलिनियर है एक्स एक्सिस के या लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के, अगर पैरेलल है तभी वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएंगे 90 डिग्री का, जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएंगे 90 डिग्री का, तो cos 90 0 cos सॉरी cos बीटा 0 cos गामा 0, ठीक है cos 90 cos अगर ये तो मैंने x एक्सिस के साथ मैंने क्या होता है y एक्सिस के साथ क्या होता है जीरो वन जीरो, क्यों क्योंकि अब y एक्सिस के साथ क्या होता है cos 0 cos 0 क्या होता है, सेम वे z एक्सिस के साथ क्या होता है जीरो जीरो कोऑर्डिनेट, क्या तो क्या हो जाएगा आपके डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस के आपके वैल्यू जो रहेंगे 1 0 cos 0 क्या। Now come to the exercise. I think the things are clear now. We will do some questions. Then things will be more clear. So come to question number one. Exercise 11.1. They are saying if a line makes 90 degree, if a line makes an angle of 90 degree, 135 degree, 45 degree with x, y, z axis respectively. बेटा जब कुछ भी नहीं दिया हुआ हो क्योंकि x, y, z axis दिया है तो positive ही मान के चलते हैं ना? तो जो angle दिखा रहा है, if a line makes an angle of 90 degree with x axis, cos alpha क्या हो गया cos 90 degree x axis के साथ angle तो L की value क्या होगी cos 90 is
जीरो, देन एम इज इक्वल टू कॉस बीटा। अभी क्या है कॉस बीटा क्या है, एंगल बना रहा है, तो आप बीटा की एंगल मिल के बन सकते, यू नो हाउ टू कैलकुलेट मत सिखाएंगे। राइट इट एज कॉस 90 प्लस 45। Can we write cos 90 plus 45? Cos 90 plus theta. Yes, anyone who can tell me the value of cos 90 plus theta? You can unmute yourself and speak. Cos 90 plus theta. Anshuman, Priyar. Sin theta. Yes, sin. Sin theta minus sin theta. Minus sin theta. Minus sin theta. Minus sin 45. Is the value we have in minus 1 by? N की वैल्यू होगी माइनस वन बाय एन इज इक्वल टू क्या हो गया कॉस गामा, ये हो गया कॉस ऑफ कितना दिया हुआ है एंगल इज 45 डिग्री, तो 45 डिग्री है तो क्या बनता है वन बाय, क्लियर तो आपके डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गए वही पूछे आपसे, तो फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस, तो डायरेक्शन कोसाइंस आर व्हाट जीरो माइनस वन बाय रूट होता है वन बाय, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर। Yeah, and come to question number 2. Find the direction cosines of a line which makes equal angles with the coordinates. Equal angles means kya hai? Alpha, beta, gamma are the same. What is given according to the question? Question number 2. So your question number 2 is alpha is equal to beta is equal to gamma. If they make same angle with the coordinate axis, अगर उन सबका coordinate axis के साथ angle क्या है same, that means क्या हम बोल सकते हैं cos alpha is equal to cos beta is equal to cos gamma, so we have learned the relation, क्या पढ़ा था हमने cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1, पढ़ा था ना l square plus m square plus n square is equal to 1, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ वैल्यू डाल cos square alpha plus cos square alpha plus cos square alpha plus cos square alpha is equal to 1, we will have 3 cos square alpha is equal to 1, so cos square alpha is equal to 1 by 3 or cos alpha equal to 1 by 3 plus minus, ठीक है तो cos alpha की वैल्यू क्या हो गई plus minus 1 by, क्लियर सो ये हमारे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, ठीक है ये एल की वैल्यू होगी सेम वैल्यू एम की होगी क्योंकि सेम है तीनों कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस प्लस माइनस अब एट सेक्स बनेंगे यहाँ, ठीक है अब आप कोई भी लिखो वी डोंट नो बिकॉज डायरेक्शन वगैरह कुछ स्पेसिफाइड नहीं है, तो जब कुछ भी नहीं दिया होगा हम जनरली पॉजिटिव वैल्यूज ले लेते हैं, क्लियर आंसर। Question number 3 is, if a line has the direction ratios this, then what are the direction cosines? Direction ratios are, क्या दिए हैं आपको 18, minus 18, 12, minus 18, 12, and minus 4. Direction cosines क्या है? अपने क्या पढ़ा था a upon l is equal to b upon m is equal to c upon n, तो यहाँ अपन क्या लिख सकते हैं l is equal to l की वैल्यू क्या हो जाएगी a की वैल्यू क्या हो जाएगी l k b is equal to m k c is equal to क्या हो जाता है, ठीक है ना अब यहाँ से अपन k की वैल्यू निकाल रहे हैं, b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दस सी आपकी के की वैल्यू आ जाएगी उसको आप स्क्वायर कर दो, स्क्वायर में अपने क्या हो गया a स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर x स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर, अब इनको ऐड कर दो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर, मैं यहां डायरेक्टली a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा n स्क्वायर, ये वैल्यू क्या हो गई 1, a स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, k की वैल्यू क्या हो गई 2 ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस, ठीक है तो अभी k की वैल्यू यहां रखो
L L की वैल्यू क्या हो जाएगी, a by k, L will be equal to what, a upon k, L को उधर लेके आएंगे, a by k जो क्या हो जाएगा, a upon root over of a square plus b square plus c square, यहाँ plus minus sign आएगा, ठीक है, ऐसे L की वैल्यू आ गई, L की वैल्यू क्या आ जाएगी, b upon k is equal to plus minus जो लगा रही हूँ, k की वैल्यू यहाँ plus minus अपने न्यूमरेटर में ले लिया उसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर सेम वैल्यू में फाइंड द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू c अपॉन रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ये तो फार्मूला है कैसे आया ये मैंने बता दिया कि आप शो करने की कोशिश में जरूरत है मैंने फिर बताया कि कैसे आया ठीक सो लेट्स पुट द वैल्यू a b c क्या डायरेक्शन कोसाइन a क्या है आपका डायरेक्शन कोसाइन है a b c l की वैल्यू क्या हो जाएगी minus 18 upon root over of minus 18 square minus 18 का square कितना होता है जैसे ये मान minus 18 square is 324 plus 12 square is 144 plus minus 2 square is 16 ये तो L की value है m क्या होता है plus 12 upon ये plus minus sign भी आ रहा है ना ये ध्यान रखना है n is equal to plus minus ठीक यहाँ पे भी क्या आ जाएगा plus minus क्या आ जाएगा root over of square add कर दो 324 plus this is equal to root over of 484 ये आ जाएगा 484 तो b को add कर दिया और n की value क्या आ जाएगी plus minus minus 4 upon root over of 484 84 किसका स्क्वायर होता है 22 का होता है क्या यस सी 22 यस ये 484 आपका किसका स्क्वायर होता है 22 का क्लियर सो यू कैन पुट द वैल्यू 22 हियर एंड यू कैन सॉल्व क्या हो गया ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 18 अपॉन 22 इक्वल टू ये आ जाएगा प्लस माइनस 12 upon 22 is equal to plus minus minus 4 upon 2. अभी आप कैंसिल आउट कर सकते हैं ठीक है कैंसिल हो रहा है ना 18 by 22 कितना हो गया 2 9 का 18 11 का 2 6 का 12 11 का 2 2 का 4 अब यहाँ साइन का ध्यान रखते हैं आप क्या जाएगा माइनस प्लस प्लस इनटू माइनस क्या होगा माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस बाय is equal to plus minus 6 by 11 is equal to minus 2 तो ये minus plus again ये minus plus by 11 ये चीज याद रखनी है मैंने बताया था दो सेट्स बनते हैं आपके तो पहला आप क्या बोलोगे इसको एक हो जाएगा minus 9 by 11 6 by 11 minus 2 by 11 दूसरा क्या हो जाएगा 9 by 11 minus 6 by 11 2 by 11 ठीक है So this way your question number 3 is over. So come to question number 4. So your question number 4 is, just read the book. Show that the points this are collinear. You can do it by yourself. I'll give you the hint how to do it. Points are given as, show that the points 2, 3, 4, and then minus 1, minus 2, 1, and 5, 8, 7 are what? Collinear. If they are collinear, what you can say? Let this point be A, this be B, this be C. I told you, if we know about direction ratios and direction cosine to direction ratios of AB, minus 1, minus 2, minus 3. Minus 2, minus 3, minus 5, and then 1, minus 4, minus 3, a direction ratios of BC. Then okay, 5 minus minus 1, now 1, 5 minus minus 1, is 6, so that plus 1, then 8 minus of minus 2, you will get 10, then 7 minus 1, Can you see the relation? Just see minus 3 upon 6 is equal to minus 5 by 10 is equal to minus 3 by 6 is equal to 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, minus 1.
सबकी वैल्यू क्या है माइनस टू एंड द डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल सो व्हाट वी कैन से दीज टू पॉइंट्स आर parallel and as P point you can write it in triangular form as B is a common point in AB and BC so these three points are collinear clear okay it's time now thank you class